हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद असलम। वेलकम टू जुनैद मेंटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर कैसे किसी की पोस्ट को कर सकते हैं और उससे लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे मैं आपको पूरा तरीका इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये हमारा प्रोसेस होएगा रीपोस्ट करते हुए। रीपोस्ट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे एक के डॉट ग्रे, यहाँ पे देखें मैंने ये सर्च किया है ग्रे इंटीरियर वालों को, और यहाँ पे ये इसकी बंदी की आईडी है और ये आप इसकी पोस्ट देख सकते हैं। इसने ये पोस्ट की है सबसे पहली, और यहाँ पे ये इसकी अपनी पोस्ट नहीं है, ये इसने किसी की पोस्ट उठाई हुई है, ठीक है, और जिसको इसने क्रेडिट दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली रीपोस्ट। ये किसी की आईडी पे पोस्ट हुई हुई है और इसने अपनी आईडी पे पोस्ट किया, इसके ऊपर उसका कोई कॉपीराइट नहीं है। और इसके लाइक्स कैसे बढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। तो ये देख सकते हैं एम जी एम बीज के आईडी है और इसने अपनी प्रोफाइल पर फ़ोटो अपडेट की हुई थी और इसी की कॉपी करके इसने अपनी आईडी पे डाली हुई है के ग्रीन इंटीरियर्स ने। मैं आपको उसकी अपनी जो प्रोफाइल है एमजीएम की, ये देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये बंदा ओरिजिनल है और इसने ये फ़ोटो बनाई थी, ये देख सकते हैं। तो ये कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। ये कैसे यूज़ कर सकता है तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को करने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं रीपोस्ट। यहाँ पे आपने गूगल में यहाँ पे आना है प्ले स्टोर में या अपने ऐप स्टोर में, और यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है रीपोस्ट। तो जैसे हम रीपोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रीपोस्ट की ये एप्लीकेशन सामने आ जाती है। तो इस एप्लीकेशन को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड होना शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो रही है। तो जब तक ये डाउनलोड होती है हम वो पोस्ट देख लेते हैं कि जो हमने अपनी आईडी पर लगानी है, अपनी आईडी पर पोस्ट करनी है, ठीक है। और वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी आईडी पर ये लगा सकते हैं। जैसा कि कोई कीवर्ड्स हैं यहाँ पे मैं ऊपर सर्च करता हूँ या यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगी, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ यूएसए, यूएसए, ठीक है। तो ये मैं टैग्स में जाऊँगा और इस टैग को मैं ओपन कर लूँगा। यहाँ पे बहुत सारी इस टैग की पोस्ट पड़ी होंगी, ठीक है। मतलब आपने किसी चीज़ के, जैसे कि ये एक पोस्ट है और मैं इसी को अपनी आईडी पर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने देखना यह है कि इसके टैग्स ज़्यादा होने चाहिए, जिसने जो इसके ज़्यादा टैग्स लगे होंगे उसका ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टैग्स भी देखने हैं, ज़रूरी हैं। ये देखें ये वाली में पोस्ट है, इसको मैं करना चाह रहा हूँ। ये देखें इसके कितने टैग्स हैं और इसका फ़ायदा भी हमें होएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि रैंडमली लोग हमें हमारी पोस्ट को लाइक करेंगे और हमारी प्रोफाइल अगर अच्छी हुई तो उसको वो फॉलो भी करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई पड़ी है और मैं यहाँ पे आता हूँ और ये पोस्ट मैंने अपनी आईडी पे करनी है। तो उनका मैं यहाँ पे वाटर मार्क भी साथ लगेगा। यहाँ पे मैंने थ्री डॉट्स पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक कर लिया और कॉपी लिंक पे क्लिक किया और यहाँ पे जाऊँगा। कोई सॉफ्टवेयर की सेटिंग नहीं है, सॉरी एप्लीकेशन की सेटिंग नहीं है। जैसे ही आपने इसको ओपन करना है तो ये ऑटोमेटिकली जो हमने वहाँ पे कॉपी लिंक किया होगा वो यहाँ पे आप पे इनबॉक्स में पेस्ट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद ये देख सकते हैं, आपने फ्रैंक सिको के नाम से हमारे पास उनका लोगो यहाँ पे शो हो चुका है, उसकी आईडी की पूरी जो उसका यूज़र नेम है वो यहाँ पे शो हो चुका है। इसको मैं बॉटम पे रख सकता हूँ, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट पे, जहाँ पे भी रखना चाहूँ इसको मैं सेटिंग कर सकता हूँ। एट्रीब्यूशन मार्क पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको टॉप बॉटम टॉप लेफ्ट पे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर दिए, बैक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ऊपर, ये सबसे ऊपर इसका यूज़र नेम चला गया। तो मैं इसको करूँगा यहाँ से शेयर। शेयर करते हुए कहता है कि आप इसको इसी फ़ोटो को सेव करना चाहते हैं अपने पास, तो मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट हो जाएगी ये हमारी मेरी गैलरी के अंदर, तो मैंने इसको गैलरी में सेव कर लिया। जैसे ही गैलरी में सेव होती है तो हम ये हमारे पास सामने ये
पोस्ट हमारे पास बन के आ जाती है कि इस तरह से ये आप पोस्ट आप शेयर करना चाहेंगे, अपनी स्टोरी पर लगाना चाहते हैं या अपने फीड में अपलोड करना चाहते हैं, अपनी आईडी पर अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं इसको अपने आईडी पर अपलोड करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर दूंगा, तो ये देख सकते हैं उसका लोगो भी ऊपर शो हो रहा है, सॉरी यूज़र नेम शो हो रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। आप इसका कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसको नॉर्मली रखूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। और जैसे ही मैंने वहाँ पे कॉपी लिंक जो किया था तो वो पूरा कंटेंट भी कॉपी हो गया था। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट किया है तो पूरा कंटेंट उसने ऑटोमेटिकली हमें कॉपी करके दे दिया है। तो जो कैप्शन होता है इसका, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ये कैप्शन हमारा लग चुका है। इसको मैं अपनी आईडी पे शेयर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको शेयर पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं मेरी आईडी के ऊपर इसका ये जो पोस्ट है ये हो चुकी है अपलोड। और ये देखें इस उसी बंदे को यहाँ पे मैंने टैग भी कर दिया है, ठीक है। तो ये उसको क्रेडिट भी दे दिया है, और ये सारे कीवर्ड्स जो यहाँ पे इसने हैश टैग लगाए हुए हैं ये सारे वर्क करेंगे इसी के ऊपर, मेरी इसी पोस्ट के ऊपर भी। तो ये मतलब कि इस तरह से आप अपनी अदर लोग जो आप लोगों को फॉलो जिन्होंने नहीं भी किया होता ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने पोस्ट किया तो यहाँ पे मुझे एक लाइक मिल चुका है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारी फ़ौरन उसी पोस्ट को लाइक हो चुका है। इसी तरह से आपकी ये फ़ोटो वायरल होती है आगे आगे, और आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी हो तो उसको लोग लाइक भी करते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।